अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट डेज के अंदर मेरे भाई और भाभी मुझे विज़िट करने आए हुए थे और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आया और हमारा इतना अच्छा एक टाइम गुजरा कि पता ही नहीं लगा। और मुझे वीडियोस बनाने का या अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। इट्स जस्ट सीम जैसे वो कल आए हों और आज चले गए हों। आज वो खैर खैरियत से कनाडा पहुंच जाएंगे और अब मैं उनको बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। आज मेरा इरादा है कॉन्टिनेंटल ऑमलेट बनाने का। उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी ओरिगानो और उसके साथ मिक्स वेजिटेबल्स, जिसके अंदर गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और मशरूम्स, और नमक मेरा हसबे जायका, जिस तरह भी आपको पसंद हो। आप वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले आपने इसको ठंडे तेल के अंदर डालना है, इस तरह ये नीचे नहीं चिपकता। और इसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर, शुरू के अंदर इसको आपने हाई फ्लेम के अंदर पहले पकाना है, ताकि तेल गर्म हो आहिस्ता आहिस्ता हाई फ्लेम में। इस तरह से ये ज़्यादा थॉरली बन जाता है। अब इसके अंदर आप ब्रेड भी ले सकते हैं और बन भी ले सकते हैं, दोनों का आप मिक्स एंड मैच यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसको प्रेफर करूँगी बन में ही बनाना, मगर क्योंकि मेरे पास अभी एक ही बन रही है, सो यू नो आई विल बी यूजिंग द ब्रेड। मेरी दो बहुत अच्छी सहेलियाँ मेरे साथ नाश्ता करने आ रही हैं, और परदेश के अंदर आपकी सहेलियाँ ही आपकी फैमिली होती हैं। फैमिली को बिलाशुबा बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मगर फिर यहाँ पर जो परदेश के अंदर फैमिली होती है वो आपकी दोस्त होते हैं। स्लाइस और बन को आप टोस्टर के अंदर भी सेक सकते हैं, मगर मैंने इसको गरम किया है तवे के ऊपर। बस आई मीन इट्स डिपेंड अपॉन योर मूड एंड हाउ मच टाइम यू हैव। यहाँ पर हम लोगों का कॉन्टिनेंटल ऑमलेट तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर मशरूम, शिमला मिर्च, सिस ने इसको बहुत बहुत यमी दिखाई भी दे रहा है और बना भी दिया है। अब मैं इसको सैलेड पत्ते, पेरी पेरी, चिली सॉस एंड गार्लिक एंड हर्ब को यूज़ करूँगी, आई मीन साथ खाने के लिए। और मैं एक लेयर सैलेड पत्ते की, सॉसेस की, और उसके ऊपर मैं ये वाला कॉन्टिनेंटल ऑमलेट लगा दूँगी। इसको मैं थ्रू अ फॉइल लपेट लूँगी, ताकि ये इजी टू कैरी एंड ईट हो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्रेकफास्ट चाय के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होता, तो गर्मा गर्म चाय के साथ हमने ये वाला यमी ब्रेकफास्ट एंजॉय किया है सबने। और अब हम विश करते हैं कि हमारा आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे, और सेम विश मैं आप सब लोगों को करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे और आने वाला हर दिन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खैर व बरकत लेकर आए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली डे अहेड।